हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें आप लोग का पहला टर्म है डाइजेशन। डाइजेशन में सोचा है पाचन, ठीक है। अब देखते हैं, डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब इनटू द वाटरी ब्लड प्लाज्मा। दिस प्रोसेस आर कॉल्ड डाइजेशन। देखो, बोल रहा है कि जब किसी भी हम लोग कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल सबस्टेंस को सिंपल सॉल्युबल सबस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन जो होता है ये मेनली टू टाइप होते हैं, यानी कि डाइजेशन मुख्य रूप से दो अलग अलग भागों में बटे होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द एनिमल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो एनिमल बने होते हैं उनके आधार पर डाइजेशन दो अलग अलग भागों में बटे होते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। देखो इसमें दिया कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रा माने होता है इनर, इनर माने होता है इन साइड, सेलुलर माने सेल, यानी कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर जो फूड सबस्टेंस डाइजेस्ट होते हैं वो सेल के इनसाइड होते हैं, तो वैसे डाइजेशन को हम लोग इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। देखो दिया कि डाइजेशन ऑफ फूड विथ इन फूड वैकुल इन सेल इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एग्जांपल में आपके यूनिसेलुलर एनिमल, कुछ जो एक कोशिकीय एनिमल होते हैं उनके बॉडी में ओनली वन सेल पाई जाती है, तो अब एक ही सेल के अंदर डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, एक्सक्रेशन हो जाती है, सर्कुलेशन हो जाती है, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है सब एक ही सेल के अंदर होती है, तो वैसे एनिमल में जो डाइजेशन होता है वैसे डाइजेशन को हम लोग इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। दूसरा आपका एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन में कहता है एक्स्ट्रा अरे आउटसाइड, बाहर, सेलुलर माने सेल, यानी कि जब भोजन जो होता है सेल के बाहर किसी कैविटी के अंदर किसी ल्यूमन के अंदर डाइजेस्ट होता है तो वैसे डाइजेशन को हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। इन अदर एनिमल फूड आर डाइजेस्ट इन द कैविटी द ल्यूमन आउटसाइड ऑफ द सेल आर कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है हायर एनिमल, जितने हायर एनिमल होते हैं उनमें डाइजेशन के लिए एलिमेंट्री कैनाल या बोल सकते हैं एलिमेंट्री ट्रैक पाया जाता है। अगला है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो द सिस्टम ऑफ ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग फूड इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी एंड फॉर मेकिंग यूज ऑफ फूड टू कीप द बॉडी हेल्थी। द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड द सिल्वरी ग्लैंड, माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लेडर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन एंड रेक्टम। देखो बोल रहा है कि जब हम लोग भोजन को लेते हैं, यानी कि जब हम लोग भोजन को इंगल्फ करते हैं, माउथ में लेते हैं, खाते हैं, अब उसके बाद भोजन कहता है स्मॉल स्मॉल पीसेस में टूटता है और उसके बाद वहां से एनर्जी निकलती है और जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसको हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यानी कि भोजन को लेने से लेकर के जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल को बाहर निकालने तक की जितने भी प्रोसेस होती है, जितनी प्रक्रिया होती है, उन सारे प्रोसेस को मिला करके हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो बोल रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है कई भागों में बटा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज ए मेनली डिवाइडेड इनटू द टू मेन पार्ट, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है यह मुख्य रूप से दो अलग अलग भागों में बटा होता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। पहला आपका आहार नाल है, दूसरा आपका पाचन ग्रंथि है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, द एलिमेंट्री कैनाल इज ए मेजर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज ए कंटिन्यूअस मस्कुलर ट्यूब विच रन थ्रू द बॉडी एंड इट इज अराउंड 8 to 10 meters लॉन्ग। द एलिमेंट्री कैनाल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिंग फूड, इट ब्रेक डाउन टू स्मॉल पीसेस एंड एड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। देखो बोला जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये मसल्स के बने होते हैं और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग 8 to 10 meters लॉन्ग, यानी कि 8 to 10 meters तक लंबे होते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है इसका जो मेन परफॉर्मेंस होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है, ये भोजन को डाइजेस्ट करता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और साथ ही जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों को ये एब्जॉर्ब कर लेता, अवशोषण कर लेता है और अवशोषण करने के बाद ब्लड को दे देता है। द एलिमेंट्री कैनाल आर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है यह कई ऑर्गन से मिल के बना होता है, माउथ,
फायरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ये इन आर्गनों से मिल के बना होता है। माउथ, द माउथ इज द बिगिनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड इन फैक्ट डाइजेशन स्टार्ट हियर व्हेन टेकिंग द फर्स्ट बाइट ऑफ फूड। देखो बोल रहा है कि जो माउथ होता है ये आपका एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट होता है और जो डाइजेशन होता है यहीं से स्टार्ट होता है। Chewing break the food into pieces that are more easily digested while saliva mix with food to begin the process of breaking it down into a फॉर्म योर बॉडी कैन एब्जॉर्ब एंड यूज। देखो बोल रहा है कि माउथ में जो टीथ पाए जाते हैं, टीथ का दो परफॉर्मेंस होता है, पहला तो होता है भोजन को बाइट करना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और दूसरा चेविंग करना, भोजन को चबाना। जब भोजन को बाइट कर देते हैं, काट देते हैं और चबा देते हैं तो माउथ के अंदर सलाइवा निकलता है, और सलाइवा क्या होता है कि माउथ फूड के साथ मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद जो फूड्स होते हैं उसको बोलस फॉर्म यानी कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो फूड होता है वहाँ से चला जाता है फायरिंग्स में। और जो फायरिंग्स होता है ये माउथ और ओइसोफेगस ये दोनों को जोड़ने का काम, यानी कि बक्कल कैविटी ओइसोफेगस ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। फायरिंग्स इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग वर्टिकल कैनाल बियॉन्ड द सॉफ्ट प्लेट द फूड एंड एयर पैसेज क्रॉस हियर इट। अब देखो बोल रहा है कि जो फायरिंग्स होते हैं, फायरिंग्स में क्या होता है कि ये भोजन के साथ साथ यानी कि फूड सबस्टेंस को लेकर के साथ साथ एयर पैसेज को भी यानी कि एयर को भी ले जाने का काम करते हैं। अगला है ओइसोफेगस, ठीक है, ए लॉन्ग हालो मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट द फायरिंग्स टू द स्टमक। अब देखो बोल रहा है कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फायरिंग्स और स्टमक को कनेक्ट करने का जोड़ने का काम करता है, तो उस पार्ट को हम लोग ओइसोफेगस कहते हैं। अगला आपका स्टमक, द स्टमक इज ए वाइड जे शेप्ड मस्कुलर सैक इज लोकेटेड इन टू द जस्ट बिलो द डायाफ्राम, इट इज अबाउट 30 cm लॉन्ग एंड 15 cm वाइड। द स्टमक वॉल कंटेन 3 स्मूथ लेयर, आउटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, मिडल ऑफ सर्कुलर एंड इनर और ऑब्लिक फाइबर। अब देखो बोल रहा है कि जो स्टमक होता है ये एक कैपिटल जे शेप्ड स्ट्रक्चर का होता है, मस्कुलर सैक का होता है यानी कि मसल्स के बने होते हैं, और ये डायाफ्राम के ठीक नीचे उपस्थित होते हैं। स्टमक जो होते हैं ये मेनली 4 पार्ट में यानी कि 4 अलग अलग भागों में बटे होते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्टमक, दूसरे को बोलते हैं फंडस पार्ट, तीसरे को बोलते हैं बॉडी, और चौथे को बोलते हैं पैलोरिक पार्ट। अब उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है छोटी आंत होती है, ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। देखो दिया कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन वेयर 90% ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर। अब उसको बोला है कि लगभग जो 90% डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है ये अबाउट 6 meters टू OR 20 feet यानी कि लगभग 6 meters या तो फिर 20 feet होती है। ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल का, और ये 3 अलग अलग भागों में बटा होता है, डाउडेनम, जेजनम एंड इलियम। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज ए कंप्राइजेज इनटू द 3 पार्ट, डाउडेनम, जेजनम एंड इलियम। अगला है लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन एज इट इज वाइड देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन फॉर फर्दर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फाइनली इलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। देखो बोल रहा है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, बट इनकी जो चौड़ाई होती है वो ज्यादा होती है। जो स्मॉल जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, पहला पार्ट जो कॉलन होता है, कॉलन में जो कुछ भोजन जो एब्जॉर्ब नहीं होते या डाइजेस्ट नहीं रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो यहां पर इनका डाइजेशन करते हैं और साथ ही साथ अधिक मात्रा में वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ये 3 भागों में बटे होते हैं, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं 3 अलग अलग भागों में बटे होते हैं, कैकम में, कोलम में एंड रेक्टम में, ये इनके 3 पार्ट होते हैं। अगला आपका एनस, एनस जो होता है आपका लास्ट पार्ट होता है
एलिमेंट्री कैनाल का। द एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, इज मेड ऑफ द मस्कुलर, इट हेल्प इन द इलिमिनेट द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। देखो बोला कि एनस जो होता है ये आपका लास्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक का, ये अंतिम पार्ट होता है, और ये बोला कि ये मस्कुलर का बने कि मसल्स के बने होते हैं। इनका जो काम होता है जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं, ये उनको शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। आपका अगला टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड द स्मॉल पार्ट इनसाइड द बॉडी दैट प्रोड्यूस केमिकल सबस्टेंस एंजाइम फॉर यूज इन डाइजेशन आर कॉल्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड। यानी कि वो बोला है कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो एंजाइम को रिलीज करते हैं, एंजाइम को बाहर निकालते हैं, और वो एंजाइम भोजन को पचाने में मदद करते हैं, तो वैसे ग्लैंड को या वैसे ऑर्गन को हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड देखो बोला कि डाइजेस्टिव ग्लैंड इंक्लूड सिल्वरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, लीवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। यानी कि इतने ग्लैंड से मिलके बने होते हैं, ये सारे ग्लैंड जो होते हैं, इन सारे ग्लैंड को हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये डाइजेशन में मदद करते हैं। अब इसमें देखो पहला आपका सिल्वरी ग्लैंड, सिल्वरी ग्लैंड जो होता है इट इज लोकेटेड इन टू द माउथ बिहाइंड द जॉ, जबड़े के ठीक पीछे। इट इज ए थ्री पेयर, ये तीन पेयर में पाई जाती है। इट सेक्रीट ए सलाइवा, जो सलाइवा का सेक्रीशन करती है। सलाइवा इट सेक्रीट डेली अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर, जो सलाइवा होता है लगभग 1.5 लीटर निकलता है। जो सिल्वरी ग्लैंड होती है इसका जो पीएच होता है ये न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं, लगभग 6.7 पीएच होते हैं, और इनमें जो होता है दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और एमाइलेज, और ये जो एंजाइम होते हैं कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करते हैं, और साथ ही साथ जो भोजन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये उन्हें किल करने में मदद करते हैं। अब देखो बोल रहा है दूसरा आपका है लीवर, द लीवर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये सब लोग जानते हो कि लीवर जो होता है यह हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, वेटिंग अबाउट 1.6 kg, लगभग 1.5 kg से ज्यादा इसका जो है वेट होता है। इट इज लोकेटेड इन द अपर साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी के थोड़े से ऊपर रेड कलर के स्पंजी बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम बॉडी होती है। हिपैटिक सेल ऑफ लीवर, लीवर के अंदर एक सेल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक सेल ऑफ लीवर बाइल दैट पास इनटू द गॉल ब्लैडर। जो हिपैटिक सेल होता है वो लीवर से बाइल जूस का सेक्रीशन करता है, और बाइल जूस जो होता है गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के ओपन होता है और फैट के डाइजेशन में मदद करता है। देखो दिया कि फंक्शन ऑफ द लीवर, लीवर के कई प्रकार के फंक्शन होते हैं, पहला बाइल प्रोडक्शन यानी कि बाइल जूस का सेक्रीशन करना, दूसरा एक्सक्रीशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स एंड ड्रग्स बिलीरुबिन, जितने भी आपके ड्रग्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल होते हैं हार्मोन्स होते हैं इनको एक्सक्रीशन करता है यानी कि शरीर से बाहर निकालता है यानी कि लीवर से बाहर निकालता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैट, फैट को पचाने में, प्रोटीन को पचाने में, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता। एंजाइम एक्टिवेशन, एंजाइम को सक्रिय करता है। स्टोरेज ऑफ द ग्लाइकोजन विटामिन एंड मिनरल, लीवर के अंदर ग्लाइकोजन विटामिन और मिनरल जो होते हैं स्टोरेज होते हैं, इकट्ठा होते हैं। लीवर से जो होता है कुछ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी निकलते हैं जैसे एल्बुमिन, जो कि ब्लड को थक्का बनाने में मदद करते हैं। अगला आपका पैंक्रियाज, ठीक है। पैंक्रियाज इट इज ए डुअल ग्लैंड, पैंक्रियाज को पहले जान लेते हैं कि हम लोग डुअल ग्लैंड कहते हैं। डुअल ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि पैंक्रियाज जो होता है ये दो तरीके का परफॉर्मेंस करता है, दो तरीके का फंक्शन करता है, एक आपका एक्सोक्राइन करता है, दूसरा आपका इंडोक्राइन करता है। देखो दिया कि द पैंक्रियाज इज ए लॉन्ग फ्लैट ग्लैंड दैट लाइज इन द एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक, इट प्रोड्यूस एंजाइम दैट आर रिलीज इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन। देखो बोला कि जो पैंक्रियाज होता है ये एक फ्लैट चपटा पत्तीनुमा संरचना होती है जो कि एब्डोमेन के नीचे स्टमक पे पाई जाती है। ये जो होता है आपका एंजाइम को रिलीज करती है, और वो एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ओपन होती है और भोजन को पचाने में मदद करती है। देखो जाए कि इट इज आल्सो क्लस्टर ऑफ द सेल आइसलेट, इनमें एक सेल का गुच्छा पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसलेट, और वो जो गुच्छा जो होता है वो कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है लाइक इंसुलिन ग्लूकागन, और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ड्यूअल ग्लैंड। थैंक यू।